दोबारा आना चाहोगे आप नहीं आना चाहोगे? Yes, why not? भाई बहुत ज़्यादा थक गया यार, रुक जाए तू टॉर्च मार दे, रुक जाए भागेगी। ओ भाई कितनी झाड़ी झाड़ी हो, वहाँ से आवाज़ भी आ रही है कुछ। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए यहाँ, बाकी मार्केट से हम कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे और चीज़ ऐसी लगती है भाई। खुले में खाने का मजा ही अलग है भैया, लग जाएगी भाई। खाना जो है काफ़ी टेस्टी बना हुआ है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नई कैंपिंग वीडियो में, और आज हमें कैंपिंग के लिए काफ़ी लेट हो चुकी है यहाँ पे, और साथ में हम तीन लोग हैं, बाकी ये आशीष राणा और दिलीप राणा और भाई अभी एक गाड़ी चला रहे हैं, तो भाई को भी दिखा लेते एक बार। ये है भाई दीपक, दीपक ड्राइव कर रहे हैं अभी। चले निकले फिर, चलो काफ़ी लेट हो चुका है, चलो फिर बैठो, चला सो बैठ बैठ भाई बैठ, चलो निकलते हैं फिर। गुजरे यार बाइक में तो रखने यार। तो दोस्तों ये निकल चुके हैं हम द्वारा के लिए। दीपक भाई कैसा लग रहा है, हवा चल रही ठंडी या नहीं चल रही? बहुत बढ़िया। ये देखो भाई इनको तो नींद आ रही पीछे, सोने के टाइम हो गया क्या भाई? नहीं नहीं अभी तो खाने का टाइम हो रहा है भाई। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, फर्स्ट टाइम। तो दोबारा आना चाहोगे आप नहीं आना चाहोगे? यस व्हाई नॉट। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं द्वारा में, और द्वारा में जिस लोकेशन पे हमें टेंट को पिच करना है उसके लिए हम अभी ट्रैक कर रहे हैं, और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक होगा। आ जाओ जाओ जल्दी आओ भाई, थक लग गई क्या? बहुत थक लगी है दोस्तों। चलो चलो जल्दी चलो, पड़ रहे हैं। दीपक थक तो नहीं लगी भाई? बहुत ज़्यादा यार, हालत ख़राब हो चुकी भाई, अभी तो 1.5 किलोमीटर ही चले भाई, बहुत ज़्यादा थक गया यार। ओ भाई देखो सामने बहुत आग भी लग रही है आजकल उत्तराखंड में, जहाँ भी देखो आग लग रखी है भाई। शाओ पता नहीं कौन लोग लगाते हैं। रुक जाए तू टॉर्च मार दे, रुक जाए भागेगी भागेगी, चलते रहो चलते रहो। यहाँ से पूरा देहरादून का व्यू दिख रहा है, झाड़ी झाड़ी हो रही है, वैसे तो आग से सारी जल रखी है लेकिन रास्ते में काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। वहाँ से नीचे चलो, इधर काफ़ी रिस्क हो सकता है। चलो चलो चलो, तो फाइनली दोस्तों हम लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे अपना सामान वामान अब रख देते हैं। हाँ ये एक में रख दी, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा देहरादून का नज़ारा दिखता है, जहाँ पे हमने टेंट पिच कर रखा उसके जस्ट सामने यहाँ पे आग भी बहुत ज़्यादा लग रखी है। दीपक को भाई बहुत ज़्यादा थक लग रही है मुझे, झाड़ी झूड़ी लग गई यार यहाँ देख। कोई नहीं भाई, ये तभी तो पता चलेगा कैंपिंग करने आ रखा भाई, इसी से स्ट्रॉन्ग बनेगा। सामान का ले ले थोड़ा, उस टाइप रुक जा, हम निकालने लगे हैं, बैग खोल दे। हाँ चलो भाई, स्पीकर है भाई तेरे पे? स्पीकर, स्पीकर भी है सब है बस, तो थोड़ा गाने बजे, थोड़ा डांस डूस होगा तो मज़ा आएगा साथ में। क्यों भाई सबसे पहले तो टेंट लगा दो, ठीक है? तो सबसे पहले भैया लाइट वाइट जला देते हैं क्योंकि थोड़ा सेफ्टी होनी चाहिए। लाइट तो अपने पास 16 आम की तरह लटक रहा है, 16 लाइट्स भी अवेलेबल है। मेरा और आशीष का फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसको खोलने का, तो हमें पता नहीं है कैसे लगता है और कैसे खुलता है, तो हमारे जो यूट्यूबर है दून हैकर, तो आप बताइए हमें कैसे कैसे लगता है ये। आपके पास टैंट लगा रहे हैं अपना, अगर इसके बाद हम रात को आराम से यहाँ पे इसके नीचे थोड़ा डांस करेंगे, स्पीकर लगाएंगे, थोड़ी देर इंजॉय करेंगे अपना। ये देखिए ये बन गया झंडा, तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेंट को असेंबल करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी स्ट्रगल वाला काम है ये, ऐसे नहीं कि आओ और एकदम एंजॉय करो यार। तो गाइस अपना एक टेंट तो सेटअप हो चुका है, ये दूसरा लगा रहे हैं अभी ये वाला टेंट। तो फाइनली अपना सेटअप हो चुका है, और ये वाला जो टेंट है
इसमें हम सोएंगे। बाकी ये दूसरा टेंट जो हमने लगाया है इसको हमने स्टोर रूम बनाया है, इसमें सारा हमारा सामान है अंदर। तो यहाँ पे अपनी चल रही है कोल्ड ड्रिंक पार्टी और साथ में फास्ट फूड लेके आए कुछ, तो ये भी साथ में डाल रहे हैं। मेरे को फेंटा डाल देना यार। फेंटा ओके सर। अब चलो भैया कुरकुरे खाते हैं, थोड़ी मस्ती लेते हैं। हाँ सर, आपको कैसा लगा फर्स्ट एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, क्या ठंडी हवा चल रही है। आपका पहला एक्सपीरियंस है? नहीं नहीं, मेरा भी पहले ही। दूसरी बार आ रहे थे। दूसरी बार आ रहे थे? हाँ, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा लगा। पर मेहनत का काम है दोस्तों, अलग ही मजा नहीं आता। खुले में खाने का मजा ही अलग है भैया, बहुत मेहनत का काम है दोस्तों। ये थोड़ा बहुत इधर उधर फेंकना पड़ता है जरा, क्योंकि यहाँ पे और लोग भी आते हैं। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है ना, मज़ा आ रहा है बहुत। ऐसी जगह थोड़ा बैठ के खाने में अलग ही मज़ा आता है। जब नीचे से आ रहे तब कितनी गर्मी हो रही है ना। सही, आज रात भर बैठेंगे, डांस करते हैं, खाओ पियो। मेरी भाई है सोने का नाम नहीं। मिर्ची बहुत डाले की है उसमें, कोल्ड ड्रिंक सा सही जा रहा है। दूसरी प्लेट ले यार मोमोज के लिए। चलो जी, अब हो रही हमारी यहाँ पे खाने पीने की तैयारी। बाकी अपने दीपक भाई यहाँ पे चॉपिंग कर रहे हैं। दीपक भाई क्या चॉप कर रहे हो अभी? यार प्याज। प्याज फुल मस्त मूड। हमारे टेंट के आसपास में जो आग लग रही थी सामने, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई अभी, और मुझे लग रहा है ये गांव की साइड जा रही है ये आग, शायद गाँव वाले बुझाने भी आ रहे हैं वहाँ। आज भाई क्या बनाने वाले आज? आज बनाएंगे हम पनीर। पनीर और पनीर के साथ क्या चलेगा? पनीर के साथ चलेगा राइस। दीपक भाई आज बहुत अच्छी कटिंग कर रहे भाई, कब सीखे दीपक भाई? आज के नहीं सीखा यार। चलो अच्छी बात है भैया, मेरे को तो आ रही नींद, मैं जा रहा हूँ टेंट के अंदर। नहीं यार आसो, आप शेफ हो हमारे, मेन मास्टर शेफ आप ही हो, तो आप खाना बनाओगे ना हमारे। आज हम टेस्ट करेंगे आपका हाथ का मटर एंड राइस। आग जो बे, अभी रुक तो सही, अभी बनाने देना यार, अभी वीडियो बन रही है। कसम आग ही नहीं जगह बनाओ, बनाओ दे कब बनी चाह होता था, प्याज टमाटर बोलो था, पनीर काटना हो चाह। चलो जी, अपनी चॉपिंग भी हो गई अपनी कंप्लीट। ये अपनी आग जलाने की तैयारी हो रही है। बारीक बारीक लकड़ी डाल यार। यहाँ पे हम फिल्टर डालेंगे आग जलाने के लिए, क्योंकि इससे जल्दी आग जल जाएगी। तो मुझे नहीं लग रहा आसू ये जो चूल्हा है सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये तो लकड़ी पूरी ऊपर आ चुकी है, तो हम बर्तन कहाँ पर होते हैं वहाँ हम खड़े होते हैं, हम बर्तन कहाँ पर रखेंगे भाई इसके ऊपर बता दो। अगर आग यहाँ पर टेंशन मत ले, वो मैं हूँ ना खड़ा हुआ, मैं सब कर लूँगा। तू खड़ा ही रहता है। ये हमारा तेल डल रहा है इस पर अभी प्याज फ्राई करने के लिए। पकड़ के रखिए वाला। दिल्ली के शेफ है ये, जो शेफ है हमारे ये दिल्ली के हैं, और ये वाले हैं हमारे दुबई के शेफ। पक गया होगा वो? पक गया, वो ऑलरेडी पक चुका है। अगर हम उसको और ज्यादा पकाएंगे तो भाई उसका ग्रेवी नहीं बनेगा फिर यार। मसाला जो है तो ऊपर से पानी डालेंगे फिर उसमें। ये देखिए हमारे शेफ साहब ने पनीर की पीस एक नीचे, वो भगवान के लिए ऑलरेडी चला गया है। ये देखो दूसरा पीस भी चला गया है, एक चूल्हा भर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अग्नि माता को भी चाहिए एक्सपीरियंस है प्रेशर कुकर के। पनीर में नमक कम हो रहा क्या? हल्का सा। चलो चलेगा। तो अपने अपने हिसाब से बता दो आप कितना कितना खाओगे, तो उस हिसाब से हम चावल बनाएंगे। आप देखो जो खाया हुआ था वो तो फंस गया। चलो दीपक भाई आप चावल डालने की कृपा कीजिए। पॉइंट ऑर्डर कर ले हैं। अब वही क्या सोला बच्चों दी कर, अलग अलग चावल लेते हैं, वो जो तो बनाता हूँ वो 10-20 रुपए वाले लेते हैं, वो जल्दी बन जाते हैं।
हो गया भाई यार, भाई प्रेशर तो लगाओ, ढक्कन तो लगाओ उस पे। लड़ाई मत करो यार तुम, यहाँ पे नहीं हो भाई, माँ की चल रही है, पानी हो ना चावल अदरी बुझाओ करे, यहाँ पे भैंस भाजी चल रही है, गिल्लू वाला माई जिम्मेदार नहीं हुआ, पानी हो गया नहीं हुआ, तो हमारे जो दिल्ली के शेफ है उन्हें एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। भाई चावल गिर लगो लाकड़ा, बस अब कहीं नहीं जाता वो। तो दोस्तों जिस लोकेशन पे हम आ रखे हैं वहाँ हम पबजी खेल रहे हैं, आप देख सकते हो, ये देखिए 5G नेटवर्क के साथ, क्योंकि ये लोकेशन बहुत अच्छी है नेटवर्क के लिए। तो दीपक भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के? बस कुछ नहीं यार, चार्जिंग वार्जिंग पे लगाई है बैटरी वैटरी अभी। ये देखो दीपक भाई इस वाले टेंट में बैठे हैं, बाकी दो बंदे वहाँ पे अपने पबजी खेल रहे हैं, लाइट पबजी के दीवाने हैं। चलो दीपक ड्रोन उठाएं फिर, टाइम है भाई ड्रोन फ्लाई करने का। हाँ छोड़ दे छोड़ दे। फाइनली अपना खाना वाना बन चुका है, और चावल ये है और उसमें पनीर है अपना। बाकी आशीष भाई को अपना नींद आ गई, इनको भी जगाते हैं। आशीष आशीष उठ जा भाई, चल भाई पनीर भी डाल दे थोड़ा थोड़ा। आशीष भाई कितनी नींद पूरी होगी, गर्मी होने भीतर भाई करवाए गर्मी गर्मी होगी भाई, बाहर बैठना हवा में यार। पनीर तो मस्त बन रखा भाई, बनाया किसने भाई वो? बनाया किसने? हमारे आशीष राणा, दिल्ली के शेफ, जाने माने मास्टर शेफ हैं। भाई आशीष कैसे बनाया खाना? भाई साहब खाना तो मस्त हुआ, भूख इतनी लगी है कि नहीं भी होगा तभी मस्त लग रहा है। बनाया भी उसने यार भाई, तो तारीफ करेगी। बोला ना यार दिल्ली पता नहीं, जंगल में आप खाना खाओगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। 2 बजे का खाना यार, 2 बजे खा रहे हो, वैसे नींद आई खाना खाने के बाद, वैसे थके 10 बजे खुलेगी नहीं, वैसे थके हुए हैं, थकान भी लगी है, और खाना भी बढ़िया लग रहा है खाते वक्त, अरे शरीर मांग रहा है आराम यार। जंगल में खाने का अलग टेस्ट आता कुछ नहीं। चलो जी अपना खाना वाना भी हो चुका है, और हम इस टेंट को बंद कर देते हैं ताकि इसमें कोई रात को जानवर ना जाए, और इसमें हम चारों लोग सोएंगे। चलो भाई सोने की तैयारी करें फिर, बस हो ही गई सोने की तैयारी। आशीष कहाँ है? आशीष को भी दिखाओ भाई, आशीष सो गया क्या? अरे भाई साहब बड़ी मस्त नींद आ रही है। तो ये तो सो गया है आशीष, बाकी हम तीनों लोग अभी उठे हैं, पबजी खेल रहे हैं, अभी नींद भी आ ही रही है, पर थोड़ा अभी थोड़ा थोड़ा बातें बातें करेंगे अभी, पबजी खेलेंगे अभी। फोन खेलते लोग पबजी खेलने चल लो ना, आप लोग अभी नहीं तैयार नहीं यार, कनेक्ट क्यों नहीं होना वाईफाई। लाइट लाइट बंद कर यार, ठीक है दोस्तों गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं आपको, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और मेरी नींद भी खुल चुकी है, बाकी 7 वाले अभी 2 लोग तो सो ही रहे हैं। आशीष भाई उठ जाओ भाई, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, नींद नहीं खुल रही तुम्हारी, क्या बात है? मॉर्निंग आप सबको। Thank you.
चलो जी, अब हो रही है अपनी यहाँ पे चाय की तैयारी, बाकी यहाँ से चाय पीते हैं फटाफट और निकलते हैं। ये क्यों काटन हो? डाल दे पूरा डाल दे, बंद कर दे। तो ये अपने चाय के साथ पॉपकॉर्न बन रहे हैं। आवाज दे ना, रुक। अरे वो आवाज दे, रुक। ये मैं ले यार, ढक्कन पर उल्टू करना। हां, वही तो बंद कर। चलो भाई चाय पकड़ाओ जरा। और ये हमारी चाय टी इस नए कप के साथ है। जो चलो चेस दीपक भाई। वाह, क्या चाय बनाने जा रहा है। मजा आ गया ना। पॉपकॉर्न का भी अलग अलग फ्लेवर हो गया है। दोनों हाइकर अपनी पैकिंग में लगाए, बस हम टेंट खोलते हैं, इसके बाद निकलते हैं घर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये भी निकाल दो, इसके भी निकालना। तो दोस्तों, हम जितने भी कूड़ा किया था हमने कल रात को, तो हम पूरा घर लेके जाएंगे, यहाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत गाँव वाले गाली देते हैं। बाकी हमारी पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, अब निकलने का टाइम है अपना यहाँ से। बाकी जितनी भी हमने यहाँ पे कल रात को पन्नियाँ वगैरह थी हमारी, सब हम साथ में लेके जा रहे हैं। हीरो लोग निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। दोबारा आने का प्लानिंग है फिर? yes, ये बहुत हो गया आज से ही। आज दोबारा जाएंगे कहीं और, अभी शाम की प्लानिंग कहीं और। बैक टू बैक 10 वीडियो आएगी, बैक टू बैक।